नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है व्हील्स ऑन द रोड। तो जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरी ये सिनेरियो व्हील्स है जो कि मेरे पीछे आपको दिख रही है, तो इसका जो है डिक्की हैंडल वो खराब हो गया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डिक्की हैंडल हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं घर पे ही। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको देने वाला हूँ। इसका जो वेरिएंट है ये देख सकते हो आप, VXI ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट जी। तो ये देखिए, ये मैंने मारुति सुजुकी से पार्ट, जेन्युइन पार्ट एक्सेसरीज का ऑर्डर किया था। एक्चुअली जब मैंने पार्ट मारुति सुजुकी के जो एक्चुअल डीलर है उनके पास गया था, तब मुझे ये मोर देन 700 रुपीस का बताया था। लेकिन जब मैंने बाहर यहाँ पे इंक्वायरी की दूसरे शॉप में, तो मुझे इसकी प्राइस जो है यहाँ पे मिली है 285 रुपीस की। तो ये 285 रुपीस का ये है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये डिक्की का यहाँ पे जो है हैंडल वो टूट गया है। तो अभी हम इसे बिठाने वाले, ये देखिए, एक यहाँ पे हमें पाना लगेगा, या फिर अगर पाना नहीं हो, अगर आपके घर पे अगर कोई ऐसे पकड़ हो तो इससे भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें आगे के जो स्क्रू ड्राइवर स्क्रू जो है वो उसे ऊपर करना पड़ेगा। ये बैक सीट है, एक्चुअली मेरी गाड़ी CNG है, तो इसके कारण अभी मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसे खींचा, खींचने के बाद सीट अनलॉक हुई जी दोस्तों। तो अभी जो है हमने सीट नीचे ले ली है और देख सकते हो आप ऐसे कवर लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो कवर है पहले हमें उसे निकालना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक की लेनी है और की से सिर्फ यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए निकल गया है इसका कवर, ठीक है। ये बीच में सिर्फ ऐसे प्रेस करना है, निकल गया। ये देखिए, तो ऐसे सारे जो है लॉक हमें निकालने हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये मैंने खोल दिया है इसका कवर, और उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे लॉक से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी डिक्की तो मेरी ओपन नहीं है क्योंकि पीछे से तो हैंडल टूट गया था, तो इसलिए मैंने सब कवर निकाल दिया। और अभी यहां से जो है मैं उसे खींच के, ये देखिए ये खुल गया, ठीक है। ये डिक्की जो है हमारी खुल गई है। तो यहाँ पे देखिए ये डिक्की खुल गई, यहाँ पे CNG का टैंक है, ठीक है। अभी हमें जो है इसे हमें इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो केबल है ये लॉक की केबल है, जो पीछे जो हैंडल है अपना, तो आप इसे खींचते हो तब ये केबल जो है उसे अनलॉक करती है। तो इसे कैसे निकलना है, पहले जो है इसे यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है, यहां से पकड़ के खींचना है नीचे। देखा आपने, यहाँ पे थी, यहां से मैंने ऐसे इसे खींचा, खींच के ये लूज हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका एक बॉल है जो कि यहाँ पे अटका हुआ है, तो हमें इसे, ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर लेके इसे खींचना है बाहर। जैसे ही बाहर हम खींचेंगे ये केबल निकल जाएगी जी दोस्तों। तो मैंने ट्राई किया कि पकड़ से इसे जो है खोला जाए नट बोल्ट को, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो इसके लिए अभी मुझे जो है ये पाना लाना पड़ा है, टी पाना है, और इसकी साइज जो है वो है 10 mm। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 10 mm की साइज है इसकी, ठीक है। तो इसे आपको खरीदना पड़ेगा और फिर सिर्फ आपको इसे इस तरह से घुमाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक है, थोड़ा सा जो है
इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। ये देखिए, इसे आपको इन स्क्रू को आपको अच्छे से रखना होगा। यहाँ पे इस सेकंड वाला निकाल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वो जो किट है, जो हैंडल है, इसके साथ वो स्क्रू नहीं आता, तो उसके कारण आपको इन स्क्रू को अच्छे से रखना होगा। इस साइड में आते हैं, ये आप देख सकते हैं। सो ये जो है हमारा टूटा हुआ हैंडल है। अभी हमने नया हैंडल लाया है, हम उसका इस्तेमाल करके इसे बैठाएंगे। अभी तो ये देखिए, ये वाला जो है ये नया हैंडल है। इसे खोलेंगे, ये देखिए ये वाला जो है ये नया वाला है, आप देख सकते हो। ये देखिए ये न्यू हैंडल। अभी इसे जो है हमें यहाँ पे फिट करना है दोस्तों। ये देखिए स्क्रू यहाँ पे अच्छे से लगा के लेना है, लगा लिया। अभी हम जो है इसके स्क्रू और केबल को जो है यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है। इसे अभी हमने जो है लगा लिया है और अभी हम इसे फिट कर रहे हैं। इसका फिटिंग अच्छे से करना पड़ेगा, स्क्रू को टाइट करेंगे। यहाँ पे अच्छे से टाइट हो गया है हमारा। अभी जो है मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये डोर को जो है क्लोज कर दिया है फिर से, क्योंकि ये हैंडल टाइट हुआ है या नहीं ये चेक करना था। अभी इसे फिर से जो यहाँ से खोल रहा हूँ। अभी जो हमें यहाँ पे केबल की फिटिंग, अभी ये हैंडल लगाने के बाद फिर से जो है इसे लॉक करने के लिए हमें यहाँ पे इसे, ये देखिए इस साइड से खोले, अगर आपको दिख रहा होगा, देखा आपने, तो इसे यहाँ पे इसे अंदर डालना है, फिर यहां से इसे यहाँ पे लॉक करना है। हो गया लॉक। अभी देखिए इसे, ये देखिए लॉक हो गए।
फिटिंग होने के बाद अभी जो है ये पैड जो हमने निकाला था इसका कवर, ये देखिए कितना गंदा दिख रहा है ऐसे। तो ये जो कवर है इसे जो है हमें यहाँ पे बिठाना है। तो इसके लिए आपको लॉक मिलते हैं, आपको जो है कुछ लॉक प्रोवाइड करती है, देखिए इस टाइप के लॉक रहते हैं। तो ये मैंने निकाले, सो अभी देखिए हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस करना है लॉक करने से पहले, ये देखिए ठीक है, एक हो गया, ये देखिए इसे भी मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी यहाँ से, जिससे कि ये जो पार्ट है वो बाहर आना चाहिए, ठीक है, ये देखिए आ गया बाहर, दो हो गया। तो ऐसे ही सबके लॉक जो है ये मुझे ऐसे बाहर निकालने हैं। ये देखिए ये सारे लॉक यहाँ पे जो है मैंने इकट्ठा कर लिए। अब इसका जो है फिटिंग हमें करना है, ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये सारे लॉक मुझे बिठाने पड़ेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे सिर्फ आपको ये बैठ गया, हो गया लॉक, देखा आपने, और साइड के लेते पहले, ये देखिए यहाँ पे ये होल, होल में ऐसे सिर्फ हमें आगे प्रेस करना है, प्रेस करने से इसका जो है लॉक हो जाता है। इस तरह से हमने जो है डिक्की का हैंडल बिठा दिया। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आपको अगर आगे जाके अगर हैंडल चेंज करना है तो आप ये वीडियो देख के इजीली आप जो है हैंडल चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो है कुल खर्चा है 285 रुपीज हैंडल का चार्ज था, और क्योंकि मैंने जो पाना लिया था, क्योंकि मेरे पास 10 mm का पाना नहीं था, और मैंने ट्राई किया कि जो घर में जो पकड़ रही थी तो उससे खोलने की मैंने ट्राई कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो उसके लिए मुझे वो पाना लेना पड़ा 100 रुपीज़ का। तो ऐसे मिला के मेरा जो टोटल खर्चा आया 385 रुपीज़ आया। तो दोस्तों जो हैंडल है, एक्चुअली जो हैंडल की कॉस्ट है मैंने मारुति सुजुकी के जेन्युइन पार्ट्स में मैंने चेक किया था, तो उन्होंने मुझे मोर देन 700 रुपीज़ ये जो डिक्की का हैंडल है उसकी कॉस्ट बताई थी, लेकिन मैंने दूसरी 2-3 दुकानों पे जाके चेक किया तो उन्होंने मुझे 285 रुपीज़ में, जहाँ से मैंने लिया था तो वो 285 रुपीज़ में मिला था। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे पैसे बच गए, और देन लेबर चार्ज भी, लेबर चार्ज के इसमें मुझे जो है मैंने वो पाना खरीद लिया और उससे मैंने काम किया है। तो आपको ये वीडियो यूजफुल लगी या नहीं या आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और व्हील्स ऑन द रोड ये जो मेरा चैनल है इसे आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार दीजिए, थैंक यू, गुड बाय।